के जमाने में भी लोग जादू टोना के बात पर अंधविश्वास कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कटिहार जिला के आजम नगर प्रखंड क्षेत्र के सोलकंधा गांव में उस समक्ष देखने को मिली। जब अपने बच्चे की तबीयत खराब हो जाने पर समृद्ध सिंह ने अपने बेटी की तबीयत खराब होने का आरोप अपने पड़ोसी लाल मोहन सिंह पर लगाते हुए कहा कि उसके बेटे पर लाल मोहन सिंह और उसके परिवार द्वारा जादू टोना कर दिया गया है, जिससे उसके बेटे की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही है। इधर लाल मोहन सिंह की माने तो इसी बात को लेकर शमशेर सिंह और उसके घर की कुछ महिलाओं ने घर पर घुसकर मेरे साथ मारपीट की। इस बात को लेकर लाल मोहन सिंह ने आजम नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। खबर 365 न्यूज़ के लिए बिहार कटिहार से भगत सिंह की रिपोर्ट। सुबह से गाल दे रहा था, गाल देने के वजह हम जो है किसी को टुकचाल नहीं किया। और तीसरी बात जो है, अचानक 8 बजे का टाइम पर इस तरह का हुआ कि अचानक आकर के उन लोग मारपीट शुरू करने लगा सर, उन लोग का समरेश का लड़का सब सर, क्या पता नहीं कैसे मैंने वही कारण से उसका लड़का बीमारी था सर, क्या कहेंगे हम। और जो है जर्जबस्ती जो है हमको आकर के जर्जबस्ती हमको फंसा रहा है सर, और हमको उतना मालूम नहीं था। और जो आकर के चारों तरफ जा करके दोनों तरफ से पूर्व से और पश्चिम से हमको आकर के सर मारने पीटने के लिए शुरू कर दिया। इसलिए सर सवेरे से वो लोग गाली दे रहा था, गाली देते देते मेरा पिताजी मशीन चलाने लगा, आ करके एकदम सब पूरा परिवार मिल के एकदम आ करके मारने शुरू किया। एकदम हम घर में घर गए थे ये खाना खाने के लिए, घर में घुसे थे, इतना देर में पिताजी को एकदम पीटते हुए बाहर ले जा रहा था।